विधायक जवाहर ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र की टिहरी पंचायत में 7.5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली टिहरी पराशर पटौंश सड़क का भूमि पूजन कर कार्य शुरू किया। उन्होंने जेसीबी मशीन की पूजा अर्चना की और निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीन की बकेट के नीचे नारियल तुड़वाकर सड़क कार्य का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जवाहर ठाकुर ने कहा कि द्रंग क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। आपको निरोजगार के नए शुभ अवसर आपको मिलेंगे, टूरिस्ट यहाँ से आएगा, लोग यहाँ से आए जाएंगे, आना जाना होगा तो तभी आप यहाँ के नौजवानों का भी माली हालत सुधरेगी। आज भी आप देख रहे होंगे कि आज इस सड़क पे जो भी बैठा है, चाहे वो ऐसे एक तंबू लगाकर बैठा है, वो भी अपना रोजगार कमा रहा है। और ये सबसे नजदीक वाला आपका एरिया होगा, इसलिए मैं आज मैं बधाई देना चाहता हूँ ग्राम पंचायत टीडी, ग्राम पंचायत शेगड़ी, ग्राम पंचायत बांदी और ग्राम पंचायत रोपा चैटीगढ़ के लोगों को। एक बहुत पुरानी सड़क हमारी टीरी पराशर के नाम से, जो 2007 से विधायक प्राथमिकता में थी, जिसको 25 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस सड़क की मंजूरी देकर इसका भूमि पूजन किया था, लेकिन आज उस इस बात की खुशी है कि आज हमने इस सड़क का शुभारंभ किया है और आज टिहरी से इस सड़क का काम शुरू किया है। और इसमें खासकर ये जो हमारी 4-5 पंचायत के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और ख़ासकर साथ में हमारा कुल्लू जिला से आने वाला, चाहे वो देवास्था के लोग हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हो, उनको इस सड़क, मैं समझता हूँ कुल्लू से ये सबसे नियरेस्ट सड़क जो प्रसिद्ध के लिए होगी। और इस सड़क के बनने से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के नौजवानों को और इस क्षेत्र के जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये सारा हमारा खूबसूरत जगह है, और साथ में इस सड़क में आदि ब्रह्मा का जी का मंदिर आता है, और साथ में पराशर का मंदिर भी इसमें शामिल होता है, और साथ में बांदी पंचायत जो हमारा पटौंश वाला गांव है, लास्ट गांव जो हमारा सबसे ऊंचा गांव आता है, वहां तक ये सड़क जो है वो बहुत जल्दी, हमारी कोशिश रहेगी कि साल के अंदर इस सड़क को हम बनवा कर लोगों की सुविधा के लिए इसको तैयार करेंगे। और इसके लिए मैं विभाग का भी, मैं लोक निर्माण विभाग, वन विभाग का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे प्रयासों से और उनके प्रयासों से आज इस सड़क को हमने, इसके DPR बनवा कर इसको मंजूर करके आज इस काम शुरू हो। और शिमला दौड़ता है ये एरिया जो है, अब यही जो आपका मंदिर है, इस मंदिर पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ अगर टूरिस्ट एक बार आ जाए तो वो कम से कम एक हफ्ता यहीं घूमता रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे को जितनी जल्दी से जल्दी हम सड़कें दें, सड़कें जो हैं इंसान की हस्तरेखा है, जैसे हमारी हस्तरेखा होती है सेम सड़कों का काम भी है। जितनी अच्छी हम पक्की सड़कें देंगे तो टूरिस्ट लोग इन एरियों में आना पसंद करते हैं। आज की डेट में जो भी नीचे का टूरिस्ट है वो आइडल जैसा एरिया ढूंढता है जहाँ सीनरी भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा एरिए ऐसे हैं, पर उनके लिए प्रॉब्लम यही है कि सड़क सुविधा नहीं है, और टेलीफोन का तो अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, अब सड़कें अगर तैयार हो जाती हैं तो टूरिस्ट काफ़ी आएंगे। टूरिस्ट आएंगे तो हर एक आदमी का काम बढ़ेगा, बिजनेस टैक्सी वाले का भी बढ़ेगा, चाय का स्टॉल का भी बढ़ेगा, ढाबे का भी बढ़ेगा, होटल का भी बढ़ेगा, तो उससे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सर क्या आपका टारगेट है, कब तक इस रोड को, इसको हम विद इन टाइम पूरा करेंगे, टाइम से पहले। हमने आज तक जितने काम किए हैं 90% काम हमने, सरकार कोई प्राइज़ नहीं देती, पर हमने गवर्नमेंट से भी प्राइज़ लिया है और प्राइवेट वालों से, तो हम जो भी काम प्राइवेट प्रोजेक्टों के हमने किए वहाँ 25-25 लाख रुपए प्राइज़ भी लिया है, स्कॉर्पियो प्राइज़ में लिया है, तो हमने कोशिश। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्धर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट।